जबलपुर के थाना बरेला अंतर्गत कल शाम लगभग 5:15 पर शारदा मंदिर के पास कंचनपुर रिछाई में पुराने विवाद के चलते एक महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पर थाना प्रभारी बरेला सुशील चौहान, रामेश्वर उइके तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ लगी थी। वहीं मौके पर एक महिला की गर्दन, पीठ, हाथ पैर में धारदार हथियार के घाव थे और पास के एक बांस का टूटा डंडा एवं रक्त रंजित कुल्हाड़ी पड़ी थी। पुलिस ने बताया कि सूरज उरेती निवासी कंचनपुर शारदा नगर रिछाई बरेला की उसकी छोटी बेटी पार्वती बाई ने बम्बमपुरा बरेला निवासी मुकेश पटेल से प्रेम विवाह किया था। मुकेश पटेल का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। बेटी पार्वती बाई आज हम लोगों से मिलने रिछाई आई थी और मोहल्ले में कोई काम से गई थी, तभी शाम 5 बजे उसका नाती रोहित परस्ते दौड़कर घर आया और बताया कि नाना जी मौसी पार्वती को भैया लाल गौड़ अपने घर के पास आंगनवाड़ी केंद्र के सामने मार रहा है। वह तुरंत पहुंचा तो देखा कि भैया लाल उसकी बेटी पार्वती बाई के साथ गाली गलौज कर डंडे एवं कुल्हाड़ी से मार रहा था। वह चिल्लाया तो भैया लाल गौड़ कुल्हाड़ी को वहीं फेंक कर भाग गया। बेटी के पास जाकर देखा तो बेटी की गर्दन, सीने, पीठ, हाथ पैर में चोटें थी, खून बह रहा था। कुछ ही देर में मारपीट में आई चोटों के कारण अत्यधिक खून निकलने से बेटी की मृत्यु हो गई। वहीं भैया लाल को पुलिस घेराबंदी कर दबोच ली है, जो घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में था। 5 बजे के आसपास मृतिका पार्वती बाई, जो कि यहाँ बम्बमपुरा बरेला में रहती है, अपने माँ बाप के पास कंचनपुर रिछाई मिलने गई थी और वहीं पर उसका भैया लाल कुशराम, पिता सज्जू, ये जो कंचनपुर रिछाई में रहते हैं और उसके पिताजी के घर के पास ही रहते हैं, उनसे कुछ वाद विवाद हुआ। उनका पूरा पारिवारिक विवाद भी पहले से चल रहा है और उसी के चलते भैया लाल के द्वारा मृतिका पार्वती बाई के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की गई। उसके बाद अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।